बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद रियाज और आप देख रहे हैं रियाज इलेक्ट्रिक्स की। दोस्तों, आज हमने सोलर प्लेट के साथ कैसे कनेक्शन किया जाता है कंट्रोलर में, कंट्रोलर से फिर बैटरी से उसके बाद जो है फिर हमने अपने पंखे को या डीसी को या जिसको भी चीज़ को, घर के अप्लाइंस को चलाना है तो उसके लिए किस तरह कनेक्शन करते हैं, आज हम उसको आपको डायग्राम बनाना सिखाएंगे, कनेक्शन करना सीखेंगे आज हम। ये फॉर एग्जांपल ले लें, ये हमारी है सोलर प्लेट। यहाँ पे पॉइंट होगा सोलर का, दूसरा इस साइड पे होगा। यहाँ पे प्लस का पॉइंट है, यहाँ पे नेगेटिव पॉइंट है। उसके बाद हमारे पास होगा एक कंट्रोलर, तीसरे नंबर पे हमारे पास लोड के लिए एक अदद बैटरी होगी। ये प्लस है, ये माइनस है। ये बैटरी है हमारी, ये हमारे कंट्रोलर हो गया, ये कंट्रोलर के चार पॉइंट इस तरफ से, दो पॉइंट जो है इसके इस तरफ से हमारे, ये पॉजिटिव माइनस पॉजिटिव माइनस पॉजिटिव। जी दोस्तों, अब ये हमारे पास सोलर प्लेट है। दो तारे मोमेंट सोलर में होती हैं, एक रेड कलर की होती है और एक ब्लैक कलर की, या दोनों ब्लैक होंगी, उसमें एक पे वाजे तौर पर लिखा होगा पॉजिटिव और एक नेगेटिव होगा। तो इस सोलर प्लेट के साथ इसका कनेक्शन हमने कंट्रोलर की एक प्लस से प्लस में लगा देना। ये 12 वोल्ट होगी, डीसी, और इसकी पावर जो है 550 वाट, 50 वाट हो गई, 550 वाट इसकी पावर हो गई सोलर की। इसके बाद ये सोलर का दूसरा सिरा है, कंट्रोलर में लगा दी हमने। इसके बाद ये बैटरी है हमारे पास, इसको हमने बैटरी के पॉजिटिव को पॉजिटिव टर्मिनल के साथ लगा दिया, नेगेटिव को नेगेटिव के साथ लगा दिया। इस तरह ये दो बच गए हमारे पास, ये लगी लाइन और ये आ गया हमारा न्यूट्रल। जी दोस्तों, ये हमने डायग्राम बना लिया। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। कमेंट्स में लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरे बेल आइकन को दबाएं, बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।